हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्लेजेंट कंडेंसेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का प्लेजेंट संघनन। तो पहले इसके रिएक्शन देखते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कंपाउंड है जो इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो कुछ एस्टर जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वो इस रिएक्शन को शो करते हैं, जैसे कि एथिल एसिटेट, CH3CO O और CH2CH3, या इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है CH3CO और इधर O और यहाँ पे ET। तो ET का मतलब होता है C2H5 ग्रुप, एथिल ग्रुप। तो इस रिएक्शन में क्या करना है हमें, इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं, एक मॉलिक्यूल ये और एक और दूसरा मॉलिक्यूल। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, किसी बेस की प्रेजेंस रखनी है, जैसे कि सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa। और उसके बाद में क्या कराना है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कोई भी बेस लेना है, सोडियम एथोक्साइड और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो उससे बाय प्रोडक्ट के रूप में C2H5OH या फिर एथिल एल्कोहल निकल जाता है और यहाँ पे बन जाता है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर CH3CO CH2CO O और C2H5। इसको बोलते हैं एथिल एसीटो एसिटेट, एथिल एसीटो एसिटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर। तो क्या है क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर का, कि कोई भी हमें एस्टर लेना जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन पाया जाए, क्योंकि ये हमारा पूरा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप हो गया। इससे नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो एथिल एसिटेट के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे बेस और एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाएगा उनका, तो एथिल एल्कोहल एज ए बाय प्रोडक्ट वहां से निकलेगा और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एथिल एसिटो एसिटेट या फिर एसिटो एसिटिक एस्टर बनाते हैं। इसके अलावा एक होती है क्रॉस प्लेजेंट कंडेंसेशन, तो उसके भी रिएक्शन देखेंगे, फिर बाद में मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो पहले फिलहाल इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर किस किस तरह से अटैक कराना है। तो यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक जहां पर H+ का रिमूवल होगा और दूसरा जहां पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक किया जाएगा। यानी कि एक तो हम बेस देखेंगे और एक न्यूक्लियोफाइल, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए इसका स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो सोडियम एथोक्साइड हमने लिया है C2H5ONa, एक बहुत ही अच्छा बेस है, ये टूट जाएगा एक तो C2H5O नेगेटिव एथोक्साइड आयन और एक Na+ में। इस स्टेप को दिखाना ऐसे जरूरी नहीं होता है, और फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए दिखा दिया हमने एथोक्साइड आयन। तो अब ये जो एथोक्साइड आयन बना है इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो हमारे पास में एथिल एसिटेट है तो उसको कुछ मैं इस तरह से लिख देता हूं, एथिल एसिटेट, यहाँ पे कार्बन था जिसके पास में तीन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये है एथोक्साइड आयन C2H5O-। तो ये क्या करेगा, यहां से H+ को रिमूव करेगा। तो कोई नेगेटिव वाली चीज अगर H+ को रिमूव कर रही है, अगर कोई नेगेटिव पार्ट एच प्लस पे अटैक करके इसको रिमूव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एज ए बेस काम कर रहे हैं। यहाँ पे एथोक्साइड आयन एज ए बेस काम कर रहे हैं, एच प्लस को निकालेगा तो प्लस चीज जारी है तो पीछे माइनस छोड़कर जाएगी, यहां से निकल जाएगा C2H5OH, ये वाला C2H5O-, और यहां से एच प्लस रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर जा रहे हैं। तो इस कार्बन को मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, CH2-, फिर सी डबल बॉन्ड O और C2H5। तो अब ये जो हमारा कार्बन आयन बना है ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, वो कैसे, कि नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा और वो होता है पाई बॉन्ड। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी CH2, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर उतरकर एक और बॉन्ड बना दिया, एक था पहले से एक और आ गया तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, फिर इधर ओ
और C2H5। तो ये दोनों होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें से इस फॉर्म को बोलते हैं इनोलेट फॉर्म या इनोलेट आयन। तो यहां पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, इनोलेट आयन। इन यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, और ऑल यूज करते हैं यहां पर अगर OH प्रेजेंट होता तो उसके लिए, तो इसको बोलेंगे इनोलेट आयन। तो एथोक्साइड आयन तो ऐसे बेस काम कर रहा था, अब देखते हैं कि इनोलेट आयन किस तरह से काम करेगा। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। हमने रिएक्शन के अंदर इस तरह के दो मॉलिक्यूल लिए थे, तो ये रहा हमारा CH3CO(OC2H5)। ओके, ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। चलिए इस वाले ग्रुप को थोड़ा सा मैं नीचे दिखा देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। CH3CO और यहाँ पे OC2H5 हमारे पास में है ये। चलिए इसको उठा लेते हैं, CH2 negative CO(OC2H5)। तो अब ये नेगेटिव वाला किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो यहां पर जो कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि इससे दो दो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। तो अगर कोई नेगेटिव पार्ट एच प्लस के अलावा किसी और पॉजिटिव पार्ट पर अटैक कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और अगर यही चीज एच प्लस पर अटैक करती तो उसको बेस बोला जाता है। तो इनोलेट आयन किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, एज ए न्यूक्लियोफाइल। चलिए तो क्या बनेगा देखते हैं। जैसे यहां पर ये जुड़ेगा कार्बन की वैलेंसी चार से ज्यादा हो जाएगी, तो आपको एक बॉन्ड को इधर तोड़ देना है ओ नेगेटिव, इधर बनेगा CH3CO पे नेगेटिव चार्ज, इधर पूरा का पूरा ग्रुप जोड़ देना है CH2CO(OC2H5) और नीचे है हमारे पास OC2H5। अब फिर से वही कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो ये क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और मजबूर करेगा इसको नीचे उतरने के लिए, जिसके वजह से यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो किसी एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और यहां पर एथोक्साइड आयन एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह यहां से निकल सकता है, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, निकलने के बाद अपने आप को तुरंत ही स्टेबल भी कर लेगा, तो यहां से एथोक्साइड आयन का रिमूवल हो जाएगा और कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी CH3। अब यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, इधर CH2 फिर CO(OC2H5) और बाहर क्या निकल गया हमारा C2H5O-। ठीक, तो ये बन गया हमारा एथिल एसीटो एसिटेट, एथिल एसीटो एसिटेट। चलिए तो अब ये जो बना है इसमें ये मेथिलीन ग्रुप है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन ग्रुप CH2 को बोलते हैं, और अगर ये मेथिलीन ग्रुप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ रहा है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि लगातार उसे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो ऐसे में मैथिलीन ग्रुप को बोलते हैं रिएक्टिव मैथिलीन ग्रुप, सक्रिय मैथिलीन समूह। तो यहां से होता क्या है कि यहां से एच प्लस का रिमूवल बहुत आसानी से हो सकता है, यहां से हम एच प्लस आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए इसी पर रिएक्शन करा दी हमने, इसी पर मान लीजिए कि रिएक्शन करा दी हमने आर एक्स की, तो अगर मैं आर एक्स की इस पर रिएक्शन कराता हूं तो इसके पास में फिलहाल यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, और यहां से अगर एक एच प्लस निकल जाता है तो इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है और इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, तो इसलिए यहां से एच प्लस एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह निकल सकता है। तो क्या करना है हमें, मान लीजिए यहां से एच प्लस निकाल दिया हमने, यहां से एच प्लस हमने निकाल दिया, मान लीजिए यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज हमें पता है कि इस तरह से रेजोनेंस कर रहा होगा यहां पर और यहां पर, इसका बॉन्ड इधर टूटेगा और ये इधर आएगा, इसी तरह से यहां पर भी ऐसे कर सकता है और फिर इस तरह से रेजोनेंस कर सकता है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। अब क्या करते हैं, आर एक्स का अगर अटैक कराए तो आर पे हमें पता है पॉजिटिव रहना है और एक्स पे हमेशा नेगेटिव रहना है, तो ये आर वाला जो ग्रुप होगा वो इस नेगेटिवली कार्बन से जुड़ जाएगा जाकर, और जुड़ने के बाद इससे बॉन्ड बना लेगा, और जो यहां से एच प्लस निकला था, जो एच प्लस यहां से निकला था वो एक्स के साथ में चला जाएगा। तो यहां से मान लीजिए एक्स माइनस हमने रिमूव कर दिया, तो
तो इधर आ गया सी एच थ्री सी ओ सी एच आर सी ओ सी टू एच फाइव। ठीक, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर। चलिए, तो ये था क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर। क्या करना है हमें, एथिल एसिटेट के दो मॉलिक्यूल लेने हैं और कोई बेस लेना है जैसे कि सोडियम एथोक्साइड, और उसके बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर एथोक्साइड आयन एज ए बेस काम करता है क्योंकि ये H प्लस का रिमूवल करता है। उसके बाद में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होती रहती है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर रहे हैं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अटैक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ से एथोक्साइड आयन एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह आसानी से निकल जाएगा और फिर हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे नेगेटिव दिखा रखा है H प्लस निकाल के, लेकिन यहाँ पर H प्लस को लगा लेना। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप बनता है यहाँ पर। तो H प्लस आसानी से निकल जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस कर रहा होगा। इस पर फर्दर अगर रिएक्शन कराते हैं RH टाइप के किसी मॉलिक्यूल की, तो वो क्या करेगा H प्लस को यहाँ से निकाल देगा और R ग्रुप को वहां पे जोड़ देगा। चलिए, तो अब एक रिएक्शन देख लेते हैं, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमने दोनों एस्टर जो एथिल एसिटेट थे वो दोनों एलिफेटिक थे। अब एक एरोमेटिक ले लेते हैं, एरोमेटिक एस्टर, और एस्टर हमें ऐसा लेना है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। चलिए, उसके रिएक्शन देखते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म लगभग सेम चीज है, नहीं है उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ओके, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या करना है, ये कंपाउंड लो CO(CO)C2H5। ठीक, ये हमारा एस्टर जिसमें इधर की तरफ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके रिएक्शन हम करा देते हैं एथिल एसिटेट के साथ CH3COOC2H5, और वही कोई बेस होना चाहिए यहाँ पर C2H5ONA, और बाद में चाहो तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसकी करा सकते हैं। तो यहां से क्या होगा C2H5OH रिमूव हो जाएगा और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसको जोड़ दीजिए आप इसके साथ में, यहां से एक एच निकालकर CH2COOC2H5। इस तरह के कुछ प्रोडक्ट बनेगा, एथिल अल्कोहल का रिमूवल हो जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये है क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में वही रहना कि सोडियम एथोक्साइड टूटेगा एथोक्साइड आयन में और सोडियम आयन में। तो ये एथोक्साइड आयन ये अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है आसानी से निकल जाएगा। तो लीजिए हमारा, इसको ऐसे दिखा देता हूँ CH2, और यहाँ पे ऐसे दिखा दिया हमने सी डबल बॉन्ड OOC2H5। तो C2H5O- आएगा और आराम से H प्लस को निकालकर अपने साथ ले जाएगा, जिसकी वजह से CH2 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये एथिल अल्कोहल निकल गया। इधर बचा रह गया हमारा CH2 नेगेटिव CO उसके बाद O और C2H5। अब चाहो तो इसके भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, ये बॉन्ड इधर बनाएगा और इसका बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बनेगी CH2CO पे नेगेटिव चार्ज उसके बाद OC2H5, ये दोनों हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन गई। इनोलेट आयन बन रहा है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। दूसरे स्टेप में इसको उठाओ एरोमेटिक यौगिक को, ये रहा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड CO, इसके OC2H5 को मैं नीचे दिखा देता हूँ क्योंकि बाद में इसको रिमूव होना है, और इधर दिखा देता हूँ CH2 नेगेटिव COOC2H5। तो यहां से क्या होगा, ये वाला नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी चार्ज से ज्यादा होगी, तुरंत एक बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर
बन जाएगी सी ओ नेगेटिव, नीचे ओ सी टू एच फाइव, इधर सी एच टू सी ओ सी टू एच फाइव। फिर समझ होगा कि कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो चुका है, तो ये तुरंत यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा और यहां से एथोक्साइड आयन एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह, अच्छे बच्चों की तरह यहां से चुपचाप निकल जाएगा। सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव यहां से रिमूव हुआ और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। इधर सी ओ सी एच टू फिर सी ओ सी टू एच फाइव। तो यह बच्चों इसका प्रोडक्ट।